पेज नंबर 408 पर इलस्ट्रेशन नंबर 10.2 अब मैं करा रहा हूँ, जिसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर ए रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। आपको कुछ डेटा गिवन है, कुछ फिगर गिवन है, और अब रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा गया है। जो डेटा गिवन है उसके अंदर आपको कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक दोनों का डेटा गिवन है, लेकिन उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो पता चलेगा प्रॉफिट जो गिवन है वो कॉस्ट बुक का तो गिवन है, लेकिन फाइनेंशियल बुक के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वैसे तो दोनों प्रॉफिट भी दिए जा सकते हैं, बट अगर एक प्रॉफिट भी दिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉफिट आपको गिवन है, जिस बुक का प्रॉफिट आपको गिवन है, उससे आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, और जहां ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मतलब फाइनेंशियल बुक का जो है आंसर आप निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा किससे मैंने स्टार्ट किया, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड मुझे मिल गया ₹50,000। ठीक है, अब मैं हर एक एंट्री जो भी मुझे यहाँ पर नजर आएगी उसको कंपेयर करूंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या लिखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या लिखा है, और उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। एनालिसिस करने के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। एक तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स होंगे, दूसरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होंगे, और बीच में होंगे कुछ डिफरेंसेस। एक एक करके उनका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग ओवरहेड्स हमें गिवन है, और ये जो मार्केटिंग ओवरहेड्स है उसके अंदर 8,000 पे हमें कॉस्ट बुक में गिवन है और 8,000 ही में फाइनेंशियल बुक में गिवन है। तो बताइए उसमें कितने का डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। जब कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसका मतलब मुझे कोई एडजस्टमेंट भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डेटा पे आते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फाइनेंशियल बुक में तो इसके लिए 5,000 लिखे गए हैं, लेकिन कॉस्ट शीट में इसके लिए कोई फिगर ही नहीं है। ऑब्वियसली 5,000 का डिफरेंस इससे क्रिएट होगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 5,000 रुपीज़ है। ये 5,000 रुपये का जो डिफरेंस है, अब या तो मेरा प्रॉफिट बढ़ाएगा और या तो ये मेरा प्रॉफिट घटाएगा। अच्छा, कैसे, कौन से प्रॉफिट पे इम्पैक्ट देखना है फिर डिसाइड करना है कि यहाँ पे प्लस करेंगे या माइनस। आपने कौन सी बुक से स्टार्ट किया क्वेश्चन? कॉस्ट रिकॉर्ड से स्टार्ट किया, इसका मतलब आपको आंसर चाहिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड का। खुद का तो आंसर नहीं चाहिए, जो क्वेश्चन में यूज़ किया डेटा वो आंसर में नहीं निकलेगा, दूसरा डेटा जो है वो आंसर में निकलेगा। तो हमने क्योंकि कॉस्ट शीट से स्टार्ट किया है, कॉस्ट रिकॉर्ड से स्टार्ट किया, आंसर में किसका चाहिए? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का। और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में भी क्या चीज़ चाहिए आंसर में? हमें चाहिए इसका नेट प्रॉफिट क्या आएगा, ये है हमारा टारगेट, हमें ये जानना है। हमें कौन सा प्रॉफिट लिया है? कॉस्ट रिकॉर्ड का प्रॉफिट लिया, जानना कहाँ पे हमें? फाइनेंशियल रिकॉर्ड के प्रॉफिट पे। तो आपको ये एनालिसिस करना है कि ये एंट्री हमारे इस प्रॉफिट पे क्या असर डालेगी। अगर इस एंट्री से वहां प्रॉफिट बढ़ गया तो आप प्लस कर देना, क्योंकि आपका टारगेट जहां पहुंचने का है वैसे ही आप करते चलो, एकदम वैसे ही आ जाएगा प्रॉफिट भी। तो बताइए ये क्या है हमारा एक्सपेंस, डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं? एक्सपेंस। हमारे पास एक रुपए का भी खर्चा नहीं है, जहां जाना चाहते हैं, जिससे टैली करना चाहते हैं, उसने 5,000 रुपए का एक्सपेंस शो कर रखा है। और अगर एक्सपेंस शो हुआ तो प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? प्रॉफिट तो घट जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आंसर फाइनेंशियल रिकॉर्ड का चाहता हूं तो मुझे 5,000 क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में अगर आप देखोगे तो 8,500 वैल्यू है, वहीं अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड में देखोगे तो 7,000 वैल्यू। बताइए इससे कोई डिफरेंस क्रिएट होगा या नहीं होगा? होगा, लेकिन सिर्फ 1,500 रुपए का डिफरेंस क्रिएट होगा, 1,500 रुपए का डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस है, या तो वो मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा या तो प्रॉफिट को घटाएगा। डिसीजन कैसे लेंगे? प्लस या माइनस का? इसका इफेक्ट यहां क्या पड़ेगा? ये एंट्री नेट प्रॉफिट को बढ़ाने वाली, अगर उस नेट प्रॉफिट को, तो मैं प्लस करूंगा वरना माइनस करूंगा। तो ये है हमारा एक्सपेंस। पहले नेचर चेक करो, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस है हमारी बुक्स में, जिससे हमने स्टार्ट किया 8,500 का खर्चा, जो टारगेट बुक है उसमें खर्चा 7,000 का। खर्चा तो कम हुआ 1,500, और अगर खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा, ज्यादा निकलेगा तो आप प्लस में डाल दीजिए 1500। क्या लिखेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या क्या भी हमने ओवरचार्ज्ड या ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स।
हमने कॉस्ट रिकॉर्ड में इनको ज्यादा दिखाया था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस जो है यहां पर कुछ भी नहीं लिखी है, यहां पे 2000 रुपए की एंट्री है। डिफरेंस तो आएगा इससे, कितने का डिफरेंस आएगा? यहां पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2000 रुपए का। अब ये 2000 या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा? मैं कहूंगा भी इस 2000 का इस प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा, वही असर मैं यहां पे लिखूंगा। तो डायरेक्टर की फीस एक्सपेंस है, यहां पे एक्सपेंस कुछ भी नहीं हो, लेकिन जिस टारगेट के हम जाना चाहते हैं, जिस तरफ जाना चाहते हैं, वहां पे 2000 का खर्चा हुआ है, और खर्चा हुआ तो प्रॉफिट कम निकला होगा। कम निकला होगा तो क्या कर दें, माइनस कर दीजिए। क्या लिखेंगे? डायरेक्टर फीस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, आगे इसके बाद इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स, इधर तो कुछ भी नहीं लिखा, इधर 15000 लिखा है, तो बीच में कितने का डिफरेंस है? 15000 रुपए का। अभी 15000 या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो ये इनकम टैक्स है, तो खर्चा होता है। टारगेट बुक में खर्चा दिखाया गया, खर्चा दिखाया तो प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। कम हो गया तो क्या कर दें, माइनस कर देते हैं। क्या लिखेंगे? इनकम टैक्स पेड शॉन इन, ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, या फिर लिख सकते हैं नॉट शॉन इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स या कॉस्ट बुक्स। आगे इसमें लिखा हुआ है रेंट ऑफ ऑन प्रीमाइसेस। रेंट ऑफ ऑन प्रीमाइसेस क्या मतलब हुआ? भाई बिल्डिंग हमारी अपनी है, और बिल्डिंग हमारी अपनी है तो किराया नहीं देना पड़ता, लेकिन कॉस्ट शीट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में इसे बुक किया गया है, और 6000 रुपए का किराया माना गया, लेकिन क्योंकि देना नहीं पड़ा हुआ है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में तो नहीं लिखेंगे। फाइनेंशियल रिकॉर्ड तो उन्हीं खर्चों को शो करता है जो एक्चुअल में हुए हैं। आपने अज्यूम कर लिया कि अगर हमने ये बिल्डिंग किराए पे ली होती तो 6000 का किराया दिया होता, तो कॉस्ट शीट में तो आपने लिखा है इसे, लेकिन फाइनेंशियल बुक में इसे नहीं लिखा गया। लेकिन इसमें तो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? 6000। अब ये 6000 मेरे इस प्रॉफिट पे क्या असर डालेगा, उसके हिसाब से मैं डिसाइड लूंगा। रेंट एक्सपेंस होता है, हमारी बुक में, बुक्स में इसको एक्सपेंस दिखाया गया, लेकिन जो टारगेट बुक है उसमें से एक्सपेंस नहीं दिखाया गया, तो अगर खर्चा ही नहीं हुआ तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या करेंगे, प्लस करने वाले हैं इस प्रॉफिट में क्या? रेंट ऑफ ऑन प्रीमाइसेस नॉट शोन इन फाइनेंशियल बुक्स। ठीक है जी, अगली एंट्री डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेप्शन है 11,250, यहाँ पर डेप्शन है 12,000। मैं डिफरेंस तो क्रिएट हो रहा है, कितने का डिफरेंस है दोनों फिगर्स के बीच में? 750 रुपए का डिफरेंस है। अब ये 750 या तो ऐड होगा या तो लेस होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? वही तरीका, इसका असर हमारे इस प्रॉफिट पे क्या पड़ रहा है, टारगेट जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट देखना। तो भाई यहाँ पे खर्चा 11,250 एक्सपेंस है, तो इधर खर्चा 12,000, 750 का खर्चा फालतू हो गया, और खर्चा ज़्यादा मतलब प्रॉफिट डाउन, तो 750 रुपये माइनस कर देते हैं। क्या डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक्स, कॉस्ट बुक में आपने डेप्शन को अंडर चार्ज किया। ठीक है जी, उसके बाद इसमें है शेयर ट्रांसफर फीस, ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट, शेयर ट्रांसफर फीस क्रेडिट। यहां पर 1000 क्रेडिट हुई, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब इसका इनकम नेचर था, इसकी इनकम की तरह इसको ट्रीट होना था। ठीक है ना, हमने शेयर ट्रांसफर करने की फीस ली है, और बीच में 1000 रुपए का डिफरेंस इसने क्रिएट किया होगा, इधर जीरो उधर 1000, तो 1000 का डिफरेंस देखना है कि इसने हमारे इस प्रॉफिट पे क्या असर डाला होगा। ये तो इनकम थी, क्रेडिट का मतलब इनकम थी, तो उधर इनकम हो गई, और इनकम होगी तो प्रॉफिट ऐड हो गया होगा, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 1000 शेयर ट्रांसफर फीस नॉट एंटर्ड इन कॉस्ट बुक्स। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और यहां पर जो फिगर है वो है 5000, और यहां पे फिगर है 8000, बीच में कितने का डिफरेंस है? 3000। अब या तो ये 3000 प्लस होगा, और या तो ये 3000 माइनस होगा, हम देखते हैं।
कि ये हमारे इस प्रॉफिट पे क्या असर डालता है, ये तो खर्चा है, एक्सपेंस हो गया, उधर खर्चा ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट कम आया होगा, तो क्या करें, माइनस में लिख दें क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अंडर चार्ज इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद क्या होगा, उसके बाद आप इसका टोटल करेंगे। जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपका जो टोटल रहेगा वो प्लस वाली साइड का बढ़ाएगा, पहले 50,000 है, फिर 1,500 है, फिर 6,000 है, फिर 1,000 है, ये हो गया 58,500, ठीक है जी, 58,500 हो गया। अब इसी 58,500 में से माइनस कर देते हैं 5,000, फिर माइनस 2,000, माइनस 15,000 और माइनस 750 और लास्ट में है 3,000, तो बैलेंस बच रहा है 32,750। चेक करोगे तो आंसर में आपके पास आ जाएगा 32,750। क्या बोलेंगे, क्या आ गया हमारा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स, ठीक है, क्लियर सबको।